सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल चीज है ना। हाँ, इसको लोग पेपर वेट के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, लेकिन चूंकि सामने सामने नहीं हो, फिजिकली हम लोग तो नहीं ना, हम लोग तो वर्चुअली एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं दिखाना चाहूंगा कि कैसे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे का पाथ अंतर आता है। ये जरा सा मैं इसको याद करा दूं कि ये इंसिडेंट रे था हमारा, है ना, ये इंसिडेंट रे था और ये इमर्जेंट रे था ना। हाँ, तो क्या था? ओरिजिनल तो ये रे ना था जी, ओरिजिनल तो ये रे हुआ, लेकिन ये, हाँ, ये लगा देने से क्या हुआ, थोड़ा सा शिफ्ट कर गया इमर्जेंट रे, है ना बच्चे मेरे। हाँ, तो दिस रे इज नोन एज इमर्जेंट रे, दिस रे इज नोन एज इमर्जेंट रे। अच्छा, ये मुझे बता दो कि बोर्ड वगैरह हॉरिजेंटल में ठीक दिख रहा है, मतलब एरिया प्रॉड हो गया आपको मोबाइल से देख। हाँ, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए मैं अब हॉरिजेंटल में लेने लगा हूं ताकि मुझे कुछ ब्रॉड एरिया मिले। हाँ, और YouTube में भी जरा चेक कर लीजिएगा कि कंप्यूटर में कोई दिक्कत तो नहीं होता है इसको देखने में, क्योंकि टेक्निकली एरर फ्री होना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि फ्यूचर अब इसी पे है। ठीक है। हाँ, क्योंकि हम लोग इतना अपने को सब तुम लोग हम लोग सब अपने को इतना एक्सपर्ट बना लें कि वर्चुअली भी क्लास ऐसा हो जैसे लगे कि हम लोग फिजिकली इन क्लासरूम है। ठीक है ना बच्चे। हाँ, तो देखो ये चीज जानते हो क्या है, ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, मेरा लाइफ। और यहां कोई मेरे साथ बच्चा आ जाओ यदि संभव है तो मैं दिखा सकता हूं कि अगर मैं ये रे यहां दिया, ठीक है, तो ये पॉइंट यहां पे है, ठीक यहां पे है, वो तुम लोग को संभव नहीं होगा, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूं सुनो, ये पॉइंट यहां पे गिर रहा है और जो इधर से निकल रहा है वो मैं देख रहा हूं, जैसे यहां से दिए ना लाइट, यहां 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 से, तो ये जो इधर से आ रहा था वो इधर से आ रहा था, समझे ये। ओके, इतना भर तो मेरे पे विश्वास करना होगा मेरे प्यारे बच्चे, विश्वास है ना। गुड गुड गुड। चलिए, तो अब आप लोग बेटर वे में प्रिज्म को समझ लिए, और डिस्पर्शन तो मैं कल बता ही दिया था और ग्लास स्लैब भी मैंने दिखा दिया आपको, एंड द लास्ट टॉपिक यस्टरडे वाज अबाउट द प्राइमरी कलर, है ना, प्राइमरी कलर के बारे में बात था, और उसमें मैंने आपको कहा था कि आप एक एक्टिविटी करें। व्हाट एक्टिविटी वाज? कि टेक सेलोफेन पेपर, सेलोफेन पेपर समझते हो, जो गिफ्ट वगैरह में कवर लगाया जाता है ना, तीन टॉर्च ले लें और तीन सेलोफेन पेपर ले लें। ठीक है, किस किस कलर का, जो प्राइमरी कलर में आपका आता है, कौन कौन, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक, अगर संभव हो और आपके घर में कोई व्हाइट वॉल हो, है ना, व्हाइट वॉल हो, तो आप क्या करें बच्चे कि वो तीनों टॉर्च का, ऐसे बचपन में मेन है कि अब तो लाइन वगैरह कटने का प्रॉब्लम ही नहीं रहा, सबके पास इन्वर्टर वगैरह है, अदरवाइज ये हम लोग बचपन में किया करते थे कि दो तीन टॉर्च अगर घर में है तो दीवार पे ऐसे ऐसे करके गेम खेलते थे, एक दूसरे से टकराते थे जैसे पतंग लड़ाया जाता है। ठीक, तो वैसा कुछ यदि आप करेंगे तो ये तीनों टॉर्च को, ये हो सकता है आप समझ पा रहे होंगे, ये तीनों सेलोफेन पेपर आप ऐसे मतलब टॉर्च का लाइट फोकस करें। ओके, तो आप देखेंगे क्या, ये मान लिया रेड है, ये रेड है और ये हमारा ग्रीन है, ग्रीन, और ये हमारा हो गया ब्लू। ठीक, तो अब
आप एक जैसा देख रहे होंगे कि रेड ब्लू मैच कर रहा है, रेड ब्लू, मैं यहां पे लिख देता हूं रेड प्लस ब्लू, यहां रेड प्लस ब्लू मैच कर रहा होगा। अगर मैं सक्सेस हुआ तो आप शायद ये कलर थोड़ा सा देख पा रहे होंगे। एक कुछ कुछ लोग इसको रानी कलर बोलते हैं, पता नहीं आप लोग बोलते हैं कि नहीं, लेकिन सच में उसका जो नेम है उसको मैजेंटा बोला जाता है, मैजेंटा, जो थोड़ा बहुत आपको पिंक ऐसा लगता होगा, समझ रहे हो मेरे बात को? हाँ, मैजेंटा, मैजेंटा सामान्य तौर पे लोग इसको रानी कलर बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली उसको हम मैजेंटा बोलेंगे, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? मैजेंटा, वेरी गुड। और कौन कौन प्राइमरी कलर के मिलने से हुआ मेरे बच्चे? देखो रेड, देखो कौन बोल दिया ग्रीन, उसको उसको पकड़ के उसको ये करना पड़ेगा, उसको पकड़ के चिप्स खिलाना पड़ेगा। हाँ, रेड प्लस ब्लू। नेक्स्ट, अगर मान लिया रेड और ग्रीन ये दोनों मैच किया है, रेड और ग्रीन, तो ये देगा आपको येलो, ठीक है? ये देगा येलो। येलो तो हम लोग जानते ही हैं, इसके बारे में कोई विशेष नहीं बोलना है, ओके? एक हमारा बचा ग्रीन ब्लू, ग्रीन प्लस ब्लू, यहां पर मिल रहा है, देख रहे हो? ग्रीन और ब्लू, ये जो कलर होता है ये साइन, हाँ साइन कलर हुआ। और इसको भी अब तुम लोग हो सकता है हंसोगे, लेकिन सामान्य भाषा में इसको बोलता है हल्का हल्का ब्लू टाइप का दिखता है तो बोलता है सुगा पंछी कलर, लेकिन वो सब हम लोग को भाषा नहीं यूज करना है, हम लोग बोलेंगे साइन कलर जब ग्रीन और ब्लू मैच करे, ओके? और ये आप पेज नंबर 176 में देख सकते हैं, कलर आपको साफ पता चल जाएगा, ओके? और ये जो कलर मिला हमको, ये प्राइमरी कलर के मिलने से जो कलर पता चला उसको हम लोग कौन सा कलर बोलते हैं? जल्दी, कंपोजिट, वेरी गुड। बड़ा तेज हो गया है यार घन, ऑनलाइन में बहुत तेज हो जाता है सब बच्चा, क्यों? कंपोजिट कलर। चलिए नेक्स्ट, म्यूट म्यूट योरसेल्फ प्लीज। आज आप लोग विवेकानंद के विषय में जरूर पढ़ेंगे, समझे बच्चे? जरूर पढ़िएगा। देखो मुझे, मेरा जहां तक विश्वास, आप अच्छे चीज को ग्रहण करेंगे, ठीक है 100% हम वैसा ना बन सकें, लेकिन कुछ उसका इफेक्ट पड़ेगा, ये आप मान के चले। मान लिया आप कोई और महान व्यक्ति का थॉट वगैरह पढ़ते हैं, कुछ लगेगा कि ऐसा मुझे करना चाहिए, ठीक है ना? विवेकानंद का टीचर्स के लिए बहुत अच्छा थॉट था, बहुत अच्छा थॉट था। विवेकानंद का एक मैं बता रहा हूं, ज्ञान और धन। ज्ञान मीन्स जो नॉलेज हम लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, और धन हुआ जो कमाते हैं। तो ज्ञान और धन में यह अंतर होता है कि धन की रक्षा हम करते हैं। इतना सुंदर लिखा है उन्होंने, धन की रक्षा करते हो ना भाई, बक्सा में रखते हो, बैंक में रखते हो, पॉकेट में एकदम अंदर छुपा छुपा के रखते हो, और ज्ञान हम लोग की रक्षा करता है, करता है ना? हम ही लोग आपको पढ़ा रहे हैं, हम लोग का रक्षा हो रहा है, आपका भी भविष्य के लिए रक्षा होगा, आप भी कमाइएगा, ओके? नेक्स्ट, रेनबो, रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन। क्या है भाई रेनबो फॉर्मेशन? मैं आपको बता दूं, आपको ज्यादा इसमें दूर नहीं ले जाऊंगा, इसमें मेन मैं बताना चाहता हूं कि जस्ट आफ्टर रेन, यानी ड्यूरिंग रेनफॉल नहीं, बारिश हुई और हो सकता है
कि थोड़ा बहुत उसमें वो वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह क्या हो, वो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड हो, ठीक है, सस्पेंडेड हो। तो वो वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज अ प्रिज्म, दैट वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज अ प्रिज्म। समझ रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, समझ रहे हो ना बच्चे? वो पानी की छोटी छोटी बूंदें जो है वो ही प्रिज्म का काम करती है। और आप जैसा देखे कि प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर देता है, दैट इज नोन एज डिस्पर्सन। वी नो वेल दैट व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म, ओके, इट गेट स्प्लिटेड, एंड दैट फेनोमेना इज नोन एज, क्विक जल्दी मेरे बच्चे, दैट फेनोमेना इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। एंड एक चीज और बोलना है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स विच आर फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज नोन एज, क्विकली जल्दी, स्पेक्ट्रम, वेरी गुड। तो यहां मैं एक वाटर ड्रॉपलेट बनाया। कुछ बच्चे को लग रहा होता है कि वाटर ड्रॉपलेट तो ऐसा होता नहीं है सर, वाटर ड्रॉपलेट तो ऐसा होता है। तो हम लोग यहां पर लगभग एज्यूम कर लिए एज अ स्फेरिकल, ओके। अब जरा बात समझिएगा, होता क्या है। एक टर्म बीच में इसमें तुमको नहीं समझ में आएगा तो उसको आप ओमिट कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, जरूरत पड़ेगा हमको बताने के लिए। लेकिन जैसे मान लिया ये सन है, ठीक है, सन, ओके, सन, और यहां से ये रे आया और ये क्या हो गया, वाटर ड्रॉपलेट एक्ट कर रहा है एज अ प्रिज्म। तो ये क्या हुआ, डिस्पर्स हो गया, यहां पे क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया, ठीक, डिस्पर्स। ये आपका हो गया, क्या हो गया, ये वाला कौन सा कलर होगा, रेड की वायलेट, वेरी गुड, एंड दिस इज रेड। यहां क्या होता है, एक शॉर्ट में समझना बात, एक प्रोसेस होता है, आप समझ लीजिएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा क्योंकि अब हमारे 8 के बच्चे अभी 9 की ओर मूव करने ही वाले हैं, अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, है ना, क्या 8 के बच्चे, हाँ। तो जैसे मान लिया मैं ये इंसिडेंट रे दिया, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। अब मैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये शिफ्ट कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, अगर ये मैं शिफ्ट करता जाऊंगा तो हो सकता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट, नहीं, एक गड़बड़ हो गया यहां पे, ये डेंसर है, ये डेंसर मीडियम, ठीक, और ये रेयरर है, ये रेयरर। मैं यहां से रे को जाने दिया बच्चे, ये नॉर्मल है, ठीक, क्या होगा, इस मीडियम में जाएगा तो रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टूवर्ड, अरे वाह गजब, बहुत तेज हो गया, दिस इज आई एंड दिस इज आर। हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंट रे को क्या करते हैं, थोड़ा और शिफ्ट करते हैं, शिफ्ट किया मैंने तो डेफिनेट है कि ये रिफ्रैक्टेड रे भी थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। मैं थोड़ा और शिफ्ट किया इंसिडेंट रे को तो एक ऐसा समय आया कि रिफ्रैक्टेड रे जो है वो इससे 90 डिग्री बना लिया, ठीक, ओके। मैं क्या बोला कि एक ऐसा समय आया, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन गया, 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे प्यारे,
अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा और इंसिडेंट रे को एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि अरे ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे वापस हो गया उसी मीडियम में जिस मीडियम से आया था। और जब कोई रे उसी मीडियम में आ जाए तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। और ये स्पेशल जो फेनोमेना हुआ, दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, कोई दिक्कत नहीं? फिर से बोल दूं क्या? ठीक है, फिर से बोल देता हूं। चल फिर से बोल देता हूं, सब रजाई के अंदर है ना बैठा हुआ। ठीक, देखो ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, हम मान के चले कि अभी जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस था उस समय रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री बना रहा है। ओके, यानी एकदम इंटरफेस से ही निकल रहा है। ठीक, मैं क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा और बढ़ा दिया। अब समझे हो? सोचने वाली बात है कि जब ये यहां तक आ ही गया तो अब अंदर ही ना जाएगा भाई, तो चला गया अंदर। तो ये आप जान लें कि सेम मीडियम में ही अगर रे आ जाता है वापस तो वहां रिफ्रैक्शन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। और ये विशेष नाम इसको दिया गया है, इसको विशेष नाम, गौर करो तुम लोग भी, अच्छा जानने में कोई दुविधा नहीं है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल, बहुत जरूरी बात, टोटल मीन्स आप ऐसे जो रिफ्लेक्शन देखते हैं, सुनना जरा गौर से, वो टोटल नहीं वर्ड लिखा रहता है, टोटल नहीं लिखा रहता है, वो थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए सामान्य में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। जैसे देखो ना भाई, इसी बोर्ड पे धूप पड़ेगा, ठीक है, लौट के रोशनी आएगी, लेकिन ये बोर्ड तो गर्म होगा ना, बोर्ड तो गर्म होगा, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा रे क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन यहां क्या वर्ड इस्तेमाल किया, टोटल, टोटल, टोटल मीन्स सब, कोई नहीं एब्जॉर्ब होगा, ठीक है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब समझ में आ गया, वेरी गुड, सबको 8D एंड H, डी के बच्चे, गुड। अब देखिए, तो वही हुआ यहां पर, ये ड्रॉप बनाया मैं, ये रे गया, ये दो भागों में टूट गया, है ना, दो भागों में ये टूट गया, है ना, दिस इज डिस्पर्शन। लेकिन कुछ खास एंगल पे इंसिडेंट किया होगा तो ये रोशनी क्या हुआ, वापस हो गया ऐसे, ये सन है बाबू, दिस इज सन। तो ये क्या है, रेड एंड दिस इज वायलेट, वायलेट एंड रेड। आप प्रेम से देख रहे थे, आप उधर ही, देखो यहां पर भी एक अच्छा बता रहा है, आप उधर ही खड़ा है जिधर सन खड़ा है, और आप बोलते हैं ना भाई कि सन के अपोजिट दिखता है हम लोग को रेनबो, लेकिन देखो जिधर सन था उधर उधर ही रे आ रहा है आपकी आंखों में। गौर कीजिएगा मेरी बात को, जैसे देखो यस आया ना, और मैं आपको क्या बोला हूं कि आंख का ये प्रॉपर्टी होता है कि जैसे रे मेरे आंखों में आया मैं समझूंगा कि मेरे सीध में वो चीज है, यानी इस व्यक्ति को ये नहीं लगेगा कि अरे ये सन दे रहा है रे, उसको लगेगा कि अरे ये तो सामने रेनबो है। समझ में आया? यहां भी अच्छा बताओ, यहां भी इल्यूजन हुआ कि नहीं, भ्रम है कि नहीं हम लोग को? तुम जाओगे ना वहां ढूंढने कि अरे रेनबो मिल जाए, तो रेनबो नहीं मिलने वाला है,
है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा कोई बच्चा, एक मिनट, एक बार मैंने आपको, नेक्स्ट टॉपिक इज पेज नंबर 177 में है हम लोग, पेज नंबर 177, और उसमें बताया गया है लेंस के बारे में, है ना, लेंस। लेंस बुक लेकर बैठे हैं ना आप लोग? एक बार मैं चेक करता हूं, अभी मैं किसी किसी को बोलूंगा, वो जरा अपना कैमरा ये करेंगे, ठीक है ना। मैं रैंडमली बोलता हूं, अब देखो बहुत लोग स्किप कर जाएगा। हेलो शालीन संभव, बुक जरा जल्दी से दिखा दीजिए। हाँ गुड, वेरी गुड। तमन्ना भी दिखा रही है बुक, तनिष्का भी दिखा रही, तनिष्का, हाँ गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अनुपम पांडे, वेरी गुड, सब लोग बुक पे ही कैमरा डाल दिया, किया चलाकी किया, गुड वेरी गुड। तनु वगैरह का कैमरा ऑफ है। अर्थ श्रीवास्तव, वेरी गुड 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 गुड। चलिए फिर आ जाते हैं हम लोग वापस क्लास में। ओके लेंस, लेंस मालूम है सबको क्या है भाई लेंस? पहले तो मैं यह बताना चाहूंगा कि जो हम लोग स्पेक्टिकल्स वगैरह जो पहनते हैं वो क्या है, लेंस ही है ना। आप शायद नाम भी सुने होंगे, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, क्या सुने हैं? हाँ, कुछ पर्सन को दूर का देखने में दिक्कत, ट्रबल होता है, कुछ को नजदीक का देखने में ट्रबल होता है। ये सोचने में थोड़ा आश्चर्य लगता है कि नजदीक का देखने में ट्रबल होता है, दूर का देखने में आसान पड़ता है। ये आप अनुभव कर सकते हैं कि अरे ये क्या कह रहे हैं सर, कि नजदीक का देखने में ट्रबल होता है और दूर का देखने में। तो आपको मैं बताऊंगा, जो आपके घर में ओल्ड एज पर्सन होंगे, आपके दादा दादी शायद यदि चश्मा लगाते होंगे, तो आप उनको देखते होंगे पेपर वगैरह पढ़ने वक्त वो पेपर को थोड़ा दूर करके पढ़ते होंगे, क्या ऐसा देखे हैं आप लोग? वो रिलैक्स महसूस करते होंगे जब वो थोड़ा दूर कर देते होंगे पेपर को। यही हुआ, यानी उनको नजदीक देखने में तकलीफ है, जब उसको वो दूर करते हैं पेपर को तब वो पढ़ पाते हैं, ठीक है। और दूर वाला तो बहुत को होता है, अभी आप लोग यंग एज में हैं, बच्चे ही हैं, यंग एज क्या बोले, तो अभी आप लोग मोबाइल वगैरह ज्यादा देखते होंगे, तो इस कारण से आंख थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो दूर देखने में आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसके द्वारा जो रे एमिट होता है वो थोड़ा डेंजरस होता है। और आप पूरे लाइट में अगर मोबाइल को ऑपरेट करें तो ठीक है, लेकिन आप लोगों की आदत होती है कि रात को सोने वक्त जब लाइट बंद रहता है तो भी रजाई के अंदर छिप छिप कर देखते हैं, तो दैट इज नॉट गुड, ओके, वो हार्म करेगा। तो मैं लेंस पर बात करूं, लेंस ऐसा भी देखते हैं हम लोग और लेंस ऐसा भी देखते हैं, देखते हैं ना। तो एक्चुअली तो ये हो गया कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम, ठीक है, इट इज ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम बाउंडेड बाय टू सर्फेसेस। ये आपके बुक में भी लिखा हुआ है, लेकिन बुक में एक चीज नहीं लिखा हुआ है, मिस कर रहा है, कि वो दो सर्फेसेस जिससे बाउंडेड है उसमें एटलीस्ट वन मस्ट बी स्फेरिकल, क्योंकि अगर दोनों सरफेस ही प्लेन हो गया तो उसको लेंस क्या कहेंगे, उसको तो स्लैब कह देंगे, है ना। तो थोड़ा समझ रहे हो बात को? गुड, मेरा कहना है कि ठीक है बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, लेकिन दोनों में कोई एक जरूर क्या होना चाहिए,
स्फेरिकल होना चाहिए। हाँ ये रखना है, क्योंकि तुम्हारे बुक में मैं जहां तक देख रहा हूं कि इवन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज भी पढ़ाया हुआ है। आप देखिए पेज नंबर 177 में आपको प्लेनो कॉन्वेक्स भी दिया हुआ है, प्लेनो कॉन्वेक्स चेक करें, प्लेनो कॉन्वेक्स। तो देखो ये भी बाउंडेड बाय टू सर्फेसेज है ना, एक ना प्लेन है भाई, दूसरा स्फेरिकल है कि नहीं? शालीन संभव आप मुझे दिख रहे हैं है ना शालीन भाई? हाँ तो नेक्स्ट अगर मैं देखूं, एक और नाम दिया हुआ है आपका कन्वर्जिंग मेनिस्कस। एक्चुअली इसको लिखना चाहिए था कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है, जो फाइनली जो लेंस, ठीक है, दो मिलकर वो लेंस बना है, लेकिन फाइनली वो कौन सा नेचर ओबे करेगा, कॉन्वेक्स ओबे करेगा कि कॉनकेव ओबे करेगा? तो जो पीछे में लिखा रहता है ना नाम, गौर कीजिएगा, जो पीछे में लिखा रहता है ना वही उसका फाइनल नेचर है। जैसे मान लिया शालीन गुप्ता, ठीक, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये मतलब समझ जाओ कि वो रिलीजन को बिलोंग करता है, कास्ट को बिलोंग करता है, ऐसा होता है ना, एक मैंने फ्रेम लिया। तो उसी तरह से अगर पीछे कॉन्वेक्स लिखा हुआ है तो आप भले आगे में कुछ लिखा हुआ हो लेकिन आप समझ लीजिए कि ओवरऑल उसका नेचर जो पीछे में शब्द लिखा हुआ है वही। तो मुझे जल्दी से बताइए कि ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स, मैं जो वर्ड बोल रहा हूं सुनिए, वो फाइनल नेचर कौन सा ओबे करेगा, कॉन्वेक्स का कि कॉनकेव का? वेरी गुड, प्लेनो कॉन्वेक्स कौन सा नेचर ओबे करेगा? वेरी गुड, वाह वाह बहुत अच्छा। नेक्स्ट दूसरा भी देख लीजिए, ये तो जाना पहचाना ही है, इसको लिख देता है डबल कॉन्वेक्स, हम लोग तो ऐसे ही कॉन्वेक्स ही बोल देते हैं, डबल कॉन्वेक्स या डबल कॉनकेव या डबल कॉन्वेक्स, इसलिए बोला। जैसे इसको डबल कॉन्केव क्यों बोला, इधर से भी कॉन्केव इधर से भी कॉन्केव, इसको बोलता है डबल कॉन्वेक्स क्योंकि इधर से भी कॉन्वेक्स इधर से भी कॉन्वेक्स। लेकिन ये आओ दूसरा, ये क्या है, प्लेनो कॉन्केव। प्लेनो ये मत समझना कि ओ नाम इसीलिए लिखा जाता है ना कि पहले ये है प्लेन इधर कॉन्केव, ऐसा बात नहीं। जो फाइनल नेचर होगा, अगर मैं डायग्राम ऐसे बना दूंगा तो थोड़े ही इसका नाम पलट जाएगा कि कॉन्केव प्लेन, नहीं, फाइनली नेचर कौन सा शो करता है, ठीक। और एक मैं हिंस देता हूं आपके लिए, आसान पड़ेगा, भले आप सोच नहीं रहे हैं लेकिन मैं सोच लिया कि वो कैसा नेचर शो करेगा ये हम जानेंगे कैसे, कोई हम प्रैक्टिकल थोड़े ही कर रहे हैं बैठ के, है ना तनु कुमारी, आप मुझे दिख रही हैं तनु, है ना ऐसा बात? हाँ तो देखो एक बात और सुनो ध्यान से, फाइनल नेम क्या होगा, एकदम आराम से बहुत अच्छा हिंट दे रहा हूं मैं। आप देखिए कॉन्वेक्स में बीच में मोटा है या पतला, बीच में ठीक है मोटा, यानी ठीक ठीक, अब मोटा उटा नहीं बोलना है, ठीक ठीक है, और किनारे में क्या है थिन, किनारे में क्या है थिन। अब सुनो, और कॉनकेव में क्या है, बीच में ही है थिन और किनारे में है थिक। तो आप यहां देखिए जब बीच में थिन मिल जाएगा तो क्या कीजिएगा, उसको लास्ट में क्या लिखिएगा, कॉनकेव। आई बात समझ में? हाँ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, प्लेनो कॉनकेव। अब अच्छा हिंट मिल गया ना तमन्ना? हाँ, और कौन दिख रहा है मुझे, प्रियांशु कुमार यादव क्यों छिपके बैठा हुआ है, सुयांश? ओके चलिए, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द लेंसेस एंड व्हाट इज लेंस, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया। और मैं चाहूंगा कि आप लोग एक
बार इन सबको बुक में जरूर खुद पढ़ें,